नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनूप दास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज हम फिर से नए किसान के पास आए हैं। आप लोगों को आज जो है बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा, कैसे बकरी पालन किया जाता है, कैसे बकरियों को देखरेख किया जाता है। और मेरे को लगता है कि यहाँ लगभग 30-40 बकरी हो सकते हैं और इनके पास जो है आज काफ़ी अच्छा आज आप लोगों को जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और काफ़ी अनुभवी किसान हैं, इनके पास जो है काफ़ी समय से बकरी पालन किया जा रहा है और प्योर देसी बकरी पालन करते हैं। छोटे बच्चे बड़े जो है सभी बकरी आज आपको देखने को मिलेंगे और हमारे गांव देहात में किस तरीके से बकरी को पाला जाता है वो भी आज देखेंगे। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हम अपने बकरी पालक से मिलते हैं, हमारे किसान से मिलते हैं जो काफ़ी समय से बकरी पालन कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे किसान, हमारे बकरी पालक। भैया आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, आपका शुभ नाम बताइए। रमेश पाल। रमेश पाल, तो कौन सा गांव है जहां आप रहते हैं? ग्राम पुटसुरा भेदमी। पुटसुरा भेदमी, तो ये बताइए कि आपका जैसे ग्राम हो गया, जिला वगैरह कौन सा है? जिला बलरामपुर। राज्य? राज्य छत्तीसगढ़। राज्य छत्तीसगढ़। तो ये बताइए कि आप बकरी पालन कर रहे हैं, अभी जैसे हमने देखा कि बाहर में बकरी जो है बच्चे बड़े सब बैठे हुए हैं, तो वर्तमान में आपके पास अभी कितना बकरी है कुल मिला के, छोटे बच्चे सब बड़े मिला के? छोटे बकरी मिला, छोटे बड़े मिलाकर 50-60 बकरी हैं। 50-60 बकरी है, 50-60 बकरी है। और जैसे मियारी बकरी माने तो कितना है, जो बच्चे देने वाली जो बकरी होती है मियारी बकरी बोलते हैं? मियारी बकरी 30-35 बकरी है। 30-35 बकरी है, 30-35 आपके पास मियारी बकरी है। और जैसे खस्सी वगैरह कितना है? खस्सी 15 वो है। खस्सी 15 है। तो दोस्तों इनके पास 50-60 बकरी है, मियारी बकरी 35 है और जो खस्सी है वो 15 है, और जो है छोटे बड़े बच्चे हैं। तो सबको देखेंगे बारी बारी से और बकरी से संबंधित सभी जानकारी लेंगे। तो भैया ये बताइए, ये जो बकरी है आपका जो बैठे हुए हैं सब, इसको थोड़ा उठाइएगा। ये देखिए, ये जो बकरी है देसी बकरी है प्योर, ये देखिए। ये जो बकरी है ये अभी खाली है कि भर्ती में है? भर्ती अभी है। भर्ती है, ये कितना दिन का भर्ती है अभी? मोटा मोटी 3 महीना का लमसम हुआ। अच्छा, 3 महीना का लगभग हुआ है। ये देखिए इनका जो बकरी रखने का जो तरीका है और सिस्टम है आप देख पा रहे हैं। ये जो मक्के का पौधा होता है उसको कैसे घेरा बनाया है, किसने अपने जुगाड़ से कितना सुंदर व्यवस्थित बनाया है, लोग बांस से बनाते हैं, इनके पास उपलब्ध नहीं है जिसके कारण से इन्होंने शॉर्टकट दिमाग से अपना बना लिए हैं। बहुत ही सुंदर जुगाड़ आप देख सकते हैं, ऐसे लगे कि मक्का के खेत में हम खड़े हैं, जो ऐसे दिख रहा है सूखा है बिल्कुल। और ये जो है हमारे जो गाँव देहात में होते हैं घर, देखिए खपड़े का घर है, छोटा सा घर है, इसी घर में सभी परिवार यहाँ रहते हैं। इनका जो है परिवार काफ़ी लंबे हैं, यानी कि बड़ा परिवार है, 3-4 भाई यहाँ रहते हैं, आप लोग बोल रहे थे ना? 4 भाई रहते हैं। 4 भाई इसमें रहते हैं। तो 4 भाई रहते हैं। ये बताइए कि आप जैसे मेरे को पहले सुनने में आया था कि आप लोग कहीं बाहर से आके यहाँ बसे हैं, तो आप लोग पहले कहाँ रहते थे, आपका जो बचपन कहाँ पर बीता है? हमारा घर था सिक्का पाटन थाना। पाटन थाना, जिला कौन सा पड़ता है वहाँ? जिला झारखंड। अच्छा, यानी कि झारखंड जो राज्य है उसमें पड़ता है। तो वहाँ से आप यहाँ कितना दिन पहले आए हैं लगभग? यहाँ 2007 में आए हैं। 2007 में, 2007 और अभी जो है 24 चल रहा है। तो वहाँ मान के चलिए यहाँ के जो और लोकल निवासी हैं वो तो बहुत शुरू से मान के चलिए यहीं पर उनका जीवन शुरू हुआ, तो आप जो है वहाँ से फिर यहाँ आने का कुछ कारण बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में फिर इतना दिन बाद क्यों आना पड़ा, क्या दिक्कत परेशानी रहा होगा? वहाँ से आना पड़ा कि वहाँ खेती बाड़ी बहुत कम था। अच्छा, इस चलते वहाँ से कुछ बेच कर यहाँ। अच्छा, खरीदे, यानी कि वहाँ कुछ दिक्कत परेशानी था, जमीन जो खेत वगैरह होता कम होता था, उसको बेच के यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा ले लिया। ज़्यादा ले लिया। तो यहाँ जो आप बसे हैं यहाँ, वहाँ से काफ़ी अच्छा आपको महसूस हो रहा है कि वहाँ से यहाँ कैसा है, अच्छा है कि कैसा है, बताइए? अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ। अच्छा है ना, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। सरकार का जो भी फैसिलिटी है या फिर जैसे राशन वासन वगैरह सब चीज़ यहाँ मिल जा रहा है? मतलब सब मिल रहा है। सब मिल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आपका छत्तीसगढ़ में स्वागत है, क्योंकि लोग छत्तीसगढ़ से कहीं बाहर भी चले जाते हैं काम काज के चक्कर में, हो सकता है यहाँ से बेच के कोई बाहर भी चले जाता है, लेकिन आप जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं, तो चलिए यहाँ आप काफ़ी खुश लग रहे हैं। तो बताइए आपका जो बकरी है, बकरी को थोड़ा दिखाए कहाँ कहाँ बकरी को कैसे कैसे रखते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं इनका जो बकरी है, ये देखिए सब बकरी जो है यहाँ बैठे हुए हैं। इसको भी थोड़ा सा उठाइएगा, ये देखिए आराम कर रही है बकरी जो है सवेरे सवेरे, काफ़ी सुस्त महसूस। आज का जो है दिन काफ़ी ठंड का दिन था और जो है काफ़ी ज़्यादा पाला पड़ा था। ये देखिए प्योर देसी बकरी। तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो बकरी है अभी साथ भर्ती है कि खाली है? सब भर्ती हो गया, सब भर्ती है। तो ये जो भर्ती बकरी है यदि इसको आप बेचने जाएंगे तो मोटा मोटी एक ठो आप क्या दाम रखते होंगे, ऐसे बकरी का क्या रेट में बिकता है सब बकरी? मोटा मोटी इस बकरी का दाम 10,000 रुपया। 10,000, तो 10,000 रुपया इस बकरी का रेट है। तो अभी देखिए दोस्तों ठंड के समय बकरी का साइनिंग कितना अच्छा है। दोस्तों एक बात बता दूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन जो है जानकारी आज आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो 10,000 होने का क्या कारण है? बकरी कितना बच्चा देती है? ये बकरी दो बच्चा देती है। दो बच्चा देती है और बच्चे को अच्छे से पाल लेती है, जैसे दूध वगैरह अच्छे से पुर जाता है सब बच्चे को? अच्छे से पाल ही लेता है ना, अच्छे से पाल लेता है। वहाँ देखिए ऐसा बकरी है आपके पास जो तीन बच्चा देती है? तीन बच्चा देता है, देखिए वो बैठाया था। चलिए तीन बच्चा देने वाला बकरी भी देखेंगे। ये देखिए ये जो बकरी है सब जो है यहाँ बूढ़ा हो गया है, धूप में बैठे हुए हैं सभी जो है, बहुत जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बकरी हैं, लगभग 60-65 बकरी आप देख ही पा रहे हैं। ये जो देखिए छाया में भी है चारों तरफ जो है, ये देखिए घर के जो बच्चे लोग भी हैं सब खेल रहे हैं, और जो बकरी जो है, बकरी भी देखिए यहाँ किस तरीके से ठंड से एक जगह किस तरह सिमट के बैठे हुए हैं। और ये देखिए तीन बच्चा देने वाली जो बकरी है काफ़ी उम्र हो गया, भैया का कहना है कि इस बकरी का उम्र कुछ ज़्यादा हो गया। तो कितना साल हो गया इस बकरी का उम्र? इस बकरी तो बहुत दिन हो गया, फिर भी एक अनुमान कितना लमसम दर है कि 7-8 साल हो गया। 7-8 साल, तो 7-8 साल हो गया ये तीन बच्चा देती है। अभी इसका तीन बच्चा है? अभी तो नहीं, अभी दो बच्चा है इसका। अच्छा अभी दो बच्चा है, देखिए दोनों है। तो तीन बच्चा दिया था कि दो ही बच्चा दिया था इस बार? अभी दिया है, दो बच्चा दिया है। हाँ हाँ, इसके इस पहले दिया था तीन बच्चा। तीन बच्चा, तो ये जो बकरी अब इसका मान के 7-8 साल उम्र हो गया, और कितना दिन तक ये बच्चा देगा? अब तो लास्ट हो गया, देगा क्या नहीं, मैंने अब बूढ़ा हो गया था। नहीं अच्छा, अब लास्ट हो गया, लास्ट हो गया। तो इसको जो है अब इसको निकाल देंगे धीरे धीरे? हाँ इसको निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे। तो इसको यदि 7-8 साल आपने पाला है, इससे जैसे आपको फ़ायदा मिला है, तो अभी इसको बेचेंगे तो क्या दाम मिल सकता है मोटा मोटी? वही मोटा मोटी वही 5 के आसपास। 5 के आसपास मिल जाएगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जो इतना साल हो गया उसके बाद भी जो है 5,000 इस बकरी का जो है रेट मिल सकता है। तो बताइए भैया, जो आप बकरी पालन कर रहे हैं इसमें जैसे बकरी को ठंड के समय में या फिर काफ़ी जो बरसात के समय में बकरी को किस तरह से आप दवा वगैरह करते हैं, कैसे इलाज करते हैं बकरी को? सब साल में 3 बार दवा देते हैं। हाँ, 4-4 महीना पर। अच्छा 4-4 महीना पर। तो जो है डॉक्टर से इलाज करते हैं कि आप स्वयं करते हैं? अपने से इलाज करते हैं। आप अपने से इलाज करते हैं, तो अपने से इलाज करते हैं, डॉक्टर नहीं आता है बुलाने से कि या फिर डॉक्टर का जरूरत ही नहीं पड़ता है? डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा, खुद यानी कि आपको नॉलेज हो गया है? अपना नॉलेज हो गया है। तो इससे जो है आप बकरी को अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं, डॉक्टर का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से किसान ऐसे कि जो सुई लगाना नहीं जानते हैं या फिर कौन सा दवा देना कुछ नहीं जानते हैं, तो आप जैसे ये सब सीखें अपने करते करते सीखें या फिर कहीं से कुछ जानकारी लिए हैं? अपने अपने करते करते। अच्छा, तो बकरी पालन करते कितना साल हो गया लगभग? अरे बहुत दिन हो गया, वो तो बच्चा हम लोग थे तब से। अच्छा, जब आप लोग छोटे थे? हाँ, तब से बकरी भेड़ी सब था। अच्छा, तो भेड़ी को तो अब भेड़ी को निकाल दिए हैं, अब बकरी जो है बकरी बच्चा है। अच्छा, तो बकरी बचा है, ठीक है। तो ये बताइए कि जैसे साल में बकरी के पीछे कितना खर्चा हो जाता है आपका मोटा मोटी दवा वगैरह में सब में? जैसे बहुत खर्चा हो जाता है, फिर भी जैसे 20,000 रुपया खर्चा होता है साल में, 20,000 रुपया। और मोटा मोटी इनकम माने तो कितना हो सकता है? जैसे आप बोले के पास 15 खस्सी है, तो 15 खस्सी अभी कितने वजन का हो गया या फिर एक एक खस्सी क्या रेट का होगा आपके पास? वही 4-5 के आसपास। 4-5 हज़ार रुपये आसपास का 15 आपके पास खस्सी है। तो इसी बात को यदि हम सुने कि जैसे घुमा के कि साल भर में कितना इनकम हो जाता है बकरी से, तो आप क्या बताना चाहेंगे कितना हो सकता है? साल में 70-80 हज़ार रुपये के आसपास, 70-80 हज़ार रुपया हो जाता है और आदमी मिलाकर। अच्छा, तो बकरी को इकट्ठा बेचते हैं कि जैसे कभी कभी एक दो करके? कभी कभी, उतना हिसाब नहीं रहता है। नहीं, जैसे साल में एक ही बार बेचते हैं कि एक दो निकालते रहते हैं? जैसा जरूरत लग गया वैसा। अच्छा, निकाल देते हैं, ऐसा नहीं कि निकालते रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा दिखाएंगे, जैसे खस्सी को आप बोल रहे थे खस्सी को रखते हैं। तो दोस्तों ये है इनका बकरी का जो है घेरा बना के रखे, देखिए लोकल लकड़ी से किस तरीके से घेरा बनाते हैं, जो है मक्का का जो है पत्ती वगैरह लकड़ी वगैरह होते हैं सभी चीज़ से घेरा बना के
बकरियों को रखते हैं और काफ़ी सुरक्षित, जैसे ठंड से बचाने के लिए बकरियों को रखा जाता है। ये जो है इनका, जैसे बकरी जो है अब निकल रही है घर से बाहर की ओर, ये देखिए, ये है जो है इनका छोटे छोटे जो खस्सी हैं, बकरी है, पट है, सब जो है अभी यहाँ से निकल रही हैं। ये देखिए सब जो है लाइन से, छोटे छोटे बच्चे बड़े सभी निकल रहे हैं एक साथ, और अभी जो है चराई के लिए चल जाएंगे, फिर वापस मेरे को लगता है कि 3-4 बजे वापस हो जाएंगे। भैया जो है अपने साथ में जो डंडा वगैरह सब पकड़ लिए हैं। 7 बजे आएंगे हम लोग। अच्छा, 7 बजे आप लोग आएंगे। ये देखिए इसी घेरे के अंदर में जो है बकरियों को रखते हैं। ये देखिए अंदर में अभी साफ़ सफाई नहीं हुआ है, और जो है बकरी का जो है लेड़ी वगैरह सब दिख रहा है नीचे, और बकरी को किस तरीके से मचान बना कर रहे। भैया जो है बकरी को लेके निकल रहे हैं, बकरी जो है अब सब लाइन से चले जा रहे हैं चराई के लिए। और अरे, और देखिए इधर जो है बकरी, इधर सरसों का खेत भी है, और बकरी जो है सब लाइन से इधर निकल गए हैं। एक साथ सभी बकरियों को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और जो है ये देखिए प्योर देसी बकरी जो होते हैं, किस तरीके से सभी बकरी का झुंड जो है एक साथ निकल पड़े हैं। आप लोग शायद ही पहले ऐसे एक साथ देसी बकरियों को आपने चराई करते हुए देखा होगा। और यहाँ जो है भैया काफ़ी जानकार मालूम होते हैं। भैया से फिर से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे जो है देसी बकरी को किस तरीके से पालन किया जाता है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भैया ये बताइएगा थोड़ा सा कि अभी चराई पे निकल रहे तो वापस कितना बजे आप आएंगे फिर? वापस आएंगे 5 बजे। 5 बजे तो 5 बजे आप वापस आएंगे। और जैसे अभी निकल रहे हैं तो खाना पीना कैसे क्या होगा, कितना बजे आप अभी, जैसे खाना पीना हो गया आपका? खाना पीना हो गया अब एक बार। अच्छा, अब एक बार जो है शाम को फिर खाना, शाम को खाएंगे। तो अभी जैसे बकरी को लेके जा रहे हैं, बकरी को एक्स्ट्रा कुछ खिलाते हैं, जैसे घर में मक्का वगैरह सवेरे कुछ दाना पानी देते हैं कि नहीं? बच्चे लोग देते हैं मक्का। अच्छा, बच्चे लोग को मक्का देते हैं। ये देखिए इनका जो है बकरी, सभी बकरी जो है लाइन से इनका निकल रही है। तो दोस्तों जैसे यदि आप 2-4 बकरी से शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, और यदि दिन भर बकरी के पीछे आप समय दे सकते हैं तभी आप बकरी पालन करें, नहीं तो जो है बकरी के पीछे यदि आप समय नहीं दे पाएंगे तो आपको जो है काफ़ी नुकसान भी हो सकता है यदि समय आप दे नहीं पाएंगे तो। इनका जो है बकरी पालन का तरीका कुछ अलग है, कुछ खास है, जिससे जो है बकरी आप देख पा रहे हैं कि जो सामने है बिल्कुल ठीक ठाक है, और किस तरीके से बकरी जो है चराई के लिए निकल रही है। हम दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे भैया जी जो है एक बकरी को जो है सुई लगाने वाले हैं। किस तरीके से बकरी को सुई लगाया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए बकरी जो है सब लाइन से अब जो है घर से बाहर निकाला गया है, बकरी यहाँ से वहाँ घूम रही है, और हमारे भैया जी जो है बकरी को सुई लगाएंगे। इनको सुई लगाने का भी भरपूर नॉलेज है। ये देखिए हाथ में जो है इंजेक्शन लेके चल रहे हैं और सुई लगाने वाले हैं। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, इसको जो है किस तरीके से सुई लगाया जाता है भैया आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो इसको चमड़ी में लगा रहे हैं कि मांस में लगा रहे हैं? अच्छा, ये देखिए बच्चे को जो है सुई लगाया जा रहा है, लग गया सुई, छोटा सा बच्चा। इसको सुई लगा, इसका इसको क्या दिक्कत हो गया था इसको सुई लगाना पड़ा है? अच्छा, चलने से लंगड़ा टाइप का हो गया, लंगड़ा हो गया है। तो इसका कौन सा इंजेक्शन दिए हैं आप? इसको दिए टेरामेसिन भाई। अच्छा, टेरामेसिन। तो ये कितना दिन में ठीक होगा लगभग? वो तो अब तो नहीं, जैसे हमेशा आप लोग देते हैं तो कितना देना पड़ेगा ना, थोड़ी अभी मान लो जल्दी। अच्छा, तुरंत थोड़ी हो जाएगा, तुरंत ठीक नहीं होगा। ये देखिए इनका जो ये जो है ये जो मियारी बकरी है ये कितना बच्चा देती है? ये वाला 2 बच्चा देता है। 2 बच्चा देती है। दोस्तों देसी में जो बड़ी फ्रेम की आप बकरी देख सकते हैं किस तरीके से पालन किया जाता है, और सभी जो है यहाँ परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलजुल के बकरी को पालते हैं और ध्यान रखते हैं। ये देखिए मेरे को लगता है कि
50 से भी प्लस होंगे यहाँ बकरियाँ, और सभी बकरी का जो है कलर शाइनिंग आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत है। ये देखिए सभी बकरी किस तरीके से लाइन से चली जा रही है। तो देखिए एक व्यक्ति जो है इतने बकरी को एक साथ कैसे संभाल पाते हैं, और अभी जैसे अगल बगल में पूरा हरा भरा जैसे सरसों वगैरह दिख रहा है किस तरीके से। तो बताइए भैया, जैसे किसी के खेत वेत में चले जाते हैं खेती बाड़ी में, तो लोग कुछ बोलते होंगे या फिर काफ़ी दिक्कत नहीं होता है अकेले बकरी को चराना इतना बकरी को? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, तो बकरी आगे पीछे नहीं हो जाती या फिर कहीं इधर उधर भागने नहीं लगती है? कहाँ जाएंगे भागकर? नहीं तो जो है इनका आदत होगा आपके पीछे पीछे ही रहेगा। तो इनको जैसे देखिए सिखा दिए हैं कि जैसे आदत सा हो गया है। और ये जो काले रंग का बकरी दिख रहा है ये वाला, ये क्या बड़े नस्ल का है कि ऐसे ही आपका जैसे घर का तैयार हुआ है? ये सब घर का तैयार हुआ है। घर का, तो ये बच्चा दिया है कि अभी ये भी देने वाले बच्चा? नहीं दिया है, ये भर्ती में है, देने वाला है अब। अच्छा, देने वाला है। ये देखिए दोस्तों बकरी जो है लेके चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अभी ये बकरी को लेके कितना दूर जाएंगे आप चराई करने के लिए? 8-9 किलोमीटर? 9 किलोमीटर नहीं, इतने कम है। कम है, यहाँ से जैसे 1.5-2 किलोमीटर होगा। पक्का रोड के पास जाएंगे ना? हाँ, अच्छा, हाँ। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और हमारे भैया ने जो है बहुत ही अच्छा जानकारी दिया। अगले वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। बोल रहा यदि आप लोगों को बकरी लेना है, इनका बकरी पसंद आए, तो भैया जी से आप नंबर ले सकते हैं। भैया आपका नंबर बता दीजिएगा। 83054। हाँ, 28507। 28507। आपके पास बेचने लायक कैसा कैसा बकरी है अभी? अभी तो नहीं है, मैंने बकरा बकरा है। अच्छा, बकरा बकरा है। हाँ। तो क्या क्या रेट का है काठो, उसको भी रेट बता दीजिए थोड़ा बहुत। वही रेट 5000 के आसपास है। हाँ, आसपास। चलिए भैया, ठीक है, ठीक है।